मैं उषा सिंह आज आपके सामने अपने जीवन के अनुभवों को, जो स्वाद से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं और सिलाई बुनाई कढ़ाई इत्यादि चीज़ों से, घर की देखभाल से जुड़े हैं, उन सबको आपके समक्ष आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है वेरियस लाइफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसे आप जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने चूरमा, जो उत्तर भारत का विशेष प्रिय भोजन है, आपके सामने बनाना चाहूँगी और उसे उसकी विधि को आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये एक बहुत अच्छा, बच्चों को बहुत प्रिय होता है, बच्चे ही नहीं बड़े बूढ़े इसे बहुत स्वाद लेकर के खाते हैं, छोटे बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। उसके लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है उसके वो हमें घर में सहजता से सरलता से प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आटा जितना आपको बनाना हो उसके हिसाब से लीजिए, आप जितना चूरमा बनाना चाहते हैं उतना आटा लीजिएगा। उस आटे में ये मैंने चार रोटियों के हिसाब से आटा लिया है, साथ में ये बूरा या चीनी ले सकते हैं, चीनी को भी पीस करके आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। देसी घी की आवश्यकता होगी, देसी घी भी सरलता से घर में उपलब्ध होता है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने कुछ काट के रख लिए हैं, कटे हुए बादाम, इलायची पीस करके और उसको डालेंगे। आप चाहें तो मुनक्का भी डाल सकते हैं और किशमिश या मुनक्का को बीज निकाल करके काट करके डालिएगा, और किशमिश है तो बहुत ही अच्छी बात है। काजू भी काट करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध यदि लड्डू नहीं बनते हैं तो उसमें शीरा डालने के लिए, और थोड़ी सी मलाई इसमें आवश्यकता के अनुसार डालनी है। अब मैं सबसे पहले इस आटे के अंदर थोड़ा सा घी जो मैंने पिघला लिया है, गरम कर लिया है, इसको इसमें डाल करके और मिक्स करूँगी। घी उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं तो फिर रोटियाँ अच्छी तरह से नहीं सेकेंगी, और रोटियों को सेकने का ही इसमें सबसे अच्छा आपके चूरमा इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी रोटियाँ कैसी सिकी हुई हैं। तो इस आटे को मैं गूंद लूँगी और गूंदने के बाद में इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये अच्छे से मैंने इसके अंदर घी को मिक्स कर लिया है, घी की जो बॉल्स से बन गई हैं उसको आप आटे में मिक्स कर लीजिए और पानी धीरे धीरे डालिए। आटा पतला नहीं होना चाहिए ना ही बहुत अधिक टाइट, बीच का आप आटा गूंदेंगे जो ना ज़्यादा टाइट कड़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसको गूंदिए और इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डालें। पानी डाल के पूरा अंगुलियों से इसमें दबाव डालें ताकि आटा उस पानी को ले लें। देखिए ये मेरा आटा लगभग गूंद पूरा हो चुका है और इस आटे को अच्छी तरह से करकर इसमें पलोथन नहीं लगाया जाता, सूखा आटा नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसको ऐसा गूंदना चाहिए ताकि इसकी रोटी आसानी से बेली जा सके, क्योंकि इसकी रोटियां बनाते समय इसमें सूखा आटे का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए ये मेरा आटा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, न ज़्यादा टाइट है न कुछ। अब मैं इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख दूंगी, कपड़े से ढक करके आप इसको रख सकते हैं। इसको देखिए
अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये आटा तैयार है। मैं आपको दिखाऊं इस आटे को, इसको आप देखिएगा, पतला नहीं होना चाहिए। ये मैं यहाँ रख करके अपनी गैस को मैं शुरू कर रही हूँ, गैस जला रही हूँ, और ये मैंने तवा रख दिया। इसके साथ ही मैं अब आपको इसकी मैं, हम रोटियों से थोड़ा मोटी रोटी इसकी बनाते हैं और इसकी बनी हुई रोटियों को ही हम चूरमा बनाएंगे। इसके लिए मैंने पहले से तैयार अपनी मिक्सी रख ली है। आप देखिए कि रोटियों को बनाते समय एक बात विशेष ध्यान रखें कि रोटी जो है वो एक जैसी बेले और एक जैसी तवे के ऊपर गिर करके उसमें चिट्टी लगनी चाहिए ताकि रोटी के अंदर कच्चापन नहीं रहे, क्योंकि कच्चापन रहने से चूरमे में भी कच्चापन आ जाएगा। ये तवा एकदम से जलने वाला नहीं होना चाहिए, मध्यम आंच पर, तेज आंच नहीं करें। आप देखिए ये रोटी का अब साइज देख लेंगे। इस रोटी के साइज को मैं यहाँ पर आपके सामने बेल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ घी लगा लिया क्योंकि इसमें हम पलोथन नहीं लगाएंगे, यानी आटा नहीं लगाएंगे, और सूखा आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो उसमें चूरमे के अंदर उसकी खुशबू अलग से आनी शुरू हो जाती है। देखिए मेरी रोटी तैयार है, मेरा तवा भी गर्म हो चुका है। अब मैं इस रोटी को इसके ऊपर आराम से मैंने डाल दी। अब ये मध्यम आंच पर सेकेगी, तेजी से तेज आंच पर नहीं सेकनी है। इसी तरह से मैं सारी रोटियों को बना लूंगी और फिर मैं आपको आगे की विधि बताती हूँ। मैं रोटी सेक ली, हाँ देखिए मेरी रोटी, अब आप देख रहे हैं ये मैंने पलट दी है और धीमी आंच पर इसको मैं सेक रही हूँ। इसको सेकने को देखिएगा, थोड़ा सा साइड से किनारों को सेकें, पहले आंच को तेज नहीं करें, मध्यम आंच पर ही आप इसको सेकें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिएगा आप आवश्यकता के अनुसार आंच को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए जब इसे सेकेंगे तो ये फूलना भी शुरू हो जाती है। जितनी मध्यम आंच पे सिकाई कराएंगे आपकी रोटी के अंदर उतना स्वाद और कच्चेपन की गंध दूर होगी। अब मैं इनको इसी परांत में एक एक सेक करके रखती जाऊंगी और जब ये हल्की ठंडी होने लगेंगी तब मैं इन्हें मिक्सी में पीसूंगी। अब मैं दूसरी रोटी इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए गरम है, एकदम गरम डालेंगे तो रोटी इसमें चिपक जाती है। आप इसके टुकड़े कीजिए और टुकड़े करने के बाद इसमें डाल दीजिए। जितना कंटेनर में जगह है उसके हिसाब से डालिएगा। अच्छी सिकी हुई रोटी बीच में से जब आप तोड़ेंगे तो एकदम से उसका टुकड़ा हो जाता है। और अब मैं इसको बंद करके और इसको पीस लूंगी। देखिए पीसने में
इसके अंदर बारीक और कुछ मोटर है, मोटे मोटे को आप निकाल लीजिए। और अगर आप और ज़्यादा बारीक बनाना चाहते हैं तो बाज़ार में जो छलनी मिलती है, थोड़े मोटे आटा छानने वाली नहीं, दूसरी वाली, उसको आप ले सकते हैं और उसमें आप छान करके एक जैसा निकाल सकते हैं। ये मैं इस तरह का बनाती हूँ, एक ये पतला, बिल्कुल आपको जितना मोटा लगे उसको थोड़ा थोड़ा ले करके आप उसको कर सकते हैं। और अब मैं इस तरह से, देखिएगा मेरा ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब मैं सारी रोटियों का पीस हूँ, पीसने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। मैंने चारों रोटियों को देखिए पीस लिया, अब आप देखेंगे मेरा ये पीसा हुआ बिल्कुल बारीक, छानने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इसके अंदर आप हर चीज़ अपनी आवश्यकता के अनुसार मिला सकते हैं। यदि आप मीठा अधिक पसंद करते हैं तो आप मीठे की मात्रा बढ़ा देंगे, चीनी या बूरा आप उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए, और यदि कम करना चाहें तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार ही खाते हैं। तो ये मैं इसमें सबसे पहले, दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगी कि मलाई जब हम दाल चूरमा बाटी बनाते हैं तो उस समय चूरमे के अंदर हम मलाई नहीं मिलाते, मगर घर में बच्चों को देने के लिए उनकी पौष्टिकता के आधार पर हम मलाई मिला सकते हैं, ताकि सॉफ्ट भी हो जाता है और ज़्यादा सॉफ्ट होने से बच्चे उसे सरलता से चबा करके खा लेते हैं, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग लोग भी बड़े प्यार से इसे चबा करके खा सकते हैं। तो मलाई आपकी इच्छा पर है, मगर घी आपको इसमें, जब तक अगर मलाई नहीं डालते हैं तो घी की मात्रा को आपको बढ़ाना पड़ेगा और दूध का छींटा भी डाल करके बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उसके लड्डू बन जाए, सरलता से बने, टूटे नहीं। मैंने इलायची दाने निकाल करके उसको पीस लिया है, दुड़दुड़ा कर लिया, और मैं इसमें इलायची दाना डाल देती हूँ। मैंने इसमें ये काट करके बादाम और उसमें किशमिश वगैरह करके इसमें मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें उनको और बारीक कर लीजिए। बच्चे अगर मोटा मोटा नहीं खाते हैं तो आप पीस भी सकती हैं, इसे पीस लीजिएगा। इसके अंदर चीनी की मात्रा को, शुगर को आप देखिएगा, इसके डलों को तोड़ लें, अच्छी तरह मैश कर लीजिएगा। मैं ये चीनी जो है ठीक मीठा, ठीक मीठे के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा मीठा ही खाते हैं, मीठे के रूप में खाते हैं, तो मीठे की तरह से ही खाते हैं। आप चाहें तो इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को बराबर मैं इसे मिलाऊंगी और इसको एक साथ जब तक ये मिले तब तक मैं इसको मिलाती रहूंगी। अगर आपको कहीं चीनी की या बूरा की मात्रा के अंदर कहीं कोई गांठ दिखाई दे रही तो आप उसको तोड़ लीजिए, अच्छी तरह से करने के बाद। अब देखिए ये मेरा मिल गया है, इसमें मिक्स हो गया है, और देखिए इसमें हल्का सा बंधना भी शुरू है। अब आप इसके अंदर इसी को जला करके, इसे घी, क्योंकि मेरा जम चुका था, मैं हल्का सा पतला करके और इसे इसमें मिक्स करूँगी। देखिए पतला हो गया और मैंने घी डाल दिया। घी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, यदि आपको घी कम पसंद है तो कम डालिए और दूध का छींटा बढ़ा दीजिए, मलाई की मात्रा भी आप डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो घी आपको डालना ही पड़ेगा, ताकि आपके लड्डू अच्छे सुंदर पौष्टिक बन सके। मिक्स करने के बाद में घी
घी डालने के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए बंधना, मगर इसमें मैं अगर मैंने देखिए इसमें दूध का छींटा डाला हल्का सा, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो और डालना। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के साथ साथ अब देखिए आपका चूरमे का साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा चूरमा चाहिए तो बड़ा साइज कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा बड़े लोग खाना चाहते हैं, यंग पीपल खाना चाहते हैं तो यंग पीपल के हिसाब से बनाइए, बच्चे खाना चाहते हैं छोटा बड़ा छोटा बनाइएगा। हम लोग बाटी दाल चूरमा खाते हैं तो उसके साथ में हम इस साइज का लेते हैं, क्योंकि हमारी बाटियाँ भी इसी साइज की होती हैं। और इस तरह से मैं अपने इस सारे लड्डुओं को तैयार कर लूँगी। मैंने इसमें मलाई नहीं डाली, उसका कारण था बताना चाहती थी आपको कि किस तरह से बनाया जाए, पर दाल चूरमा बाटी के उसमें हम नहीं डालते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। अब ये चूरमा आप 6 से 7 दिन तक भी रख सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती, बस आप एयर टाइट डब्बे के अंदर रख सकती हैं इसको, और चाहें 1 दिन में भी ख़त्म कर सकती हैं। ये सब आपके मन पर है, आप किस तरह से इसे उपयोग करना चाहेंगे। मेरे ये लड्डू जो हैं वो तैयार हैं, और आप देखेंगे कि हम ये लड्डू कम से कम 5 लोगों के लिए बहुत हैं, 5 बड़े लोगों के लिए, 5 यानी एक परिवार जो है वो सरलता से इसको खा सकता है। आप किसी भी त्यौहार पर या जिस दिन आपका मन करे मीठा खाने के लिए आप इसको बनाइए, खुद खाइए औरों को भी खिलाइए। स्वादिष्ट हैं घर में बनाए हुए सभी चीज़ें जो हैं इसके अंदर पौष्टिक हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।